सत श्री अकाल जी, पीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा लैके हाजिर हाँ साड़ी खास पेशकश माझा मालवा दुआबा। शुरुआत करांगे माझा खिते दीआं खबरां दे नाल। पठानकोट हवाई अड्डा लोगों लई सहूलत घट सगो परेशानी वध साबित हो रहा है, या फिर इंज कह लईए कि यह हवाई अड्डा चिट्टा हाथी साबित हो रहा है, जिसकी वजह है इस हवाई अड्डे तो उड़ाना दा बंद होना, जिस करके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है ते कारोबारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत नाल बनिया पठानकोट हवाई अड्डा लोगों लई चिट्टा हाथी साबित हो रहा है। कई महीनों तो उड़ाना बंद ने, जिस करके लोगों नूं भारी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। इस हवाई अड्डे नूं मरहूम साबका सांसद ते अपने वेले दे सुपरस्टार रहे अदाकार विनोद खन्ना वालों हल्के दे लोगों की भारी मंग ते बनवाया गया सी अते इत्थों बड़ी ही गर्मजोशी नाल उड़ाना शुरू कीतियां गईयां सन, पर फिर कुछ समय बाद बंद कर दीआं गईयां, जिस तों बाद लोगों की भारी मंग ते मुड़ तों केंद्रीय हवाबाजी मंत्रालय वालों उड़ाना शुरू कीतियां गईयां, पर कोरोना काल दौरान इस हवाई अड्डे तों बंद होईयां उड़ाना अजे तक मुड़ तों शुरू नहीं कीतियां गईयां। पठानकोट सरहदी जिला है ते इसदे एक पासे हिमाचल ते दूजे पासे जम्मू कश्मीर लगता है, जिस करके ज्यादातर लोग पठानकोट दे रस्ते ही इन्हां सूबियां विच घुम्मण जांदे ने। पठानकोट तों ही बहुता व्यापार भी इन्हां इलाकियां च हुंदा है, जिस विच इस हवाई अड्डे दी लोकां नूं काफी सहूलत सी, पर उड़ाना बंद होण करके लोकां दा भारी दिक्कतां दा सामना करना पै रिहा अते लोकां दी मंग है कि उड़ाना मुड़ तों शुरू कीतियां जाण। पठानकोट एयरपोर्ट जो है पठानकोट शहर वासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, पर यहाँ से जो ये सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी है उस वजह से पठानकोट शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा जो पठानकोट शहर है ये हिमाचल और J&K का बॉर्डर के ऊपर स्थित है और बहुत सारे टूरिस्ट हज़ारों लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट है वो पठानकोट से होकर ही हिमाचल और J&K में जाते हैं। अगर एयरपोर्ट पर दोबारा फ्लाइट शुरू हो जाए तो इससे हमारे पठानकोट शहर में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो सकती है और पठानकोट बहुत अच्छे ढंग से विकास की राह के ऊपर आगे चल सकता है। मेरी सरकार के आगे यही गुजारिश है, यही बेनती है कि जल्द से जल्द यहाँ से फ्लाइट्स जो दिल्ली के लिए वो शुरू की जाए, उसके साथ साथ श्रीनगर को भी पठानकोट एयरपोर्ट के साथ जोड़ा जाए और मुंबई शहर को भी। फ्लाइटें पिछले कुछ समय तो पठानकोट तो दिल्ली में जा रही थी, वो बंद हुई पे ते मैं सरकार अगर बेनती करता हाँ कि कुछ व्यापारी वर्ग जिन्होंने दिल्ली जाना होंगे है जां होर भी बहुत सारे जिहड़े यात्रू होंगे हैं विदेश जाना होंगे है, दिल्ली तो उन्होंने फ्लाइट होंगी है तो उन्होंने इतों फ्लाइट फड़न विच बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि फ्लाइट है बंद है। तो मैं सरकार अगर बेनती करता हाँ कि कृपा करके इस फिर तो शुरू किया जाए। उधर जिले के डिप्टी कमिश्नर नाल भी जो इस मसले बारे गल की गई तो उन्होंने भी मनिया कि उड़ाना बंद होने करके लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है, कारोबारियों का व्यापार भी प्रभावित होया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ध्यान च रखदियां सरकार को मुड़ तो उड़ाना शुरू करनिया चाहिए ने। फ्लाइट ऑपरेट करना या ना करना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का प्रेरोगेटिव है, वो काफ़ी सारिया कंडीशन देख के इसमें डिसाइड करूँगे, पर हाँ मैं एक गल जरूर कहनी चाहूँगा जो मेरे मुताबिक जे फ्लाइट शुरू होंदिया है तो लोगों को काफ़ी फायदा होएगा इस इलाके नूं भी और हिमाचल नूं भी, बिकॉज पठानकोट जिहड़ा हैगा ईवन हिमाचल लई जिहड़ा एक गेटवे है, इत्थे बहुत सारे जिहड़े लोग हैं इत्थों आके वख वख दिशा जा सकते हैं। बहरहाल हाल की कड़ी तो यह हवाई अड्डा लोगों लिए सहूलत घट और परेशानी वध साबित हो रहा है, सो लोड़ है कि केंद्रीय हवाबाजी मंत्रालय लोगों की दिक्कतों और कारोबार के हो रहे नुकसान को देखदियां इस हवाई अड्डे तो मुड़ तो उड़ाना शुरू करे ता जो लोगों की सहूलत लिए बनाया गया यह हवाई अड्डा मील का पत्थर साबित होवे। मुकेश सैनी, PTC न्यूज़, पठानकोट।